जय हिंद दोस्तों, निल सर आईटी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का अप्रेंटिस का फॉर्म निकला हुआ था अक्टूबर के महीने में। 4 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक अप्रेंटिस का फॉर्म भरा था 4103 पोस्ट पे। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट था जिसमें अप्रेंटिस का फॉर्म भरा था। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए और इसमें जो है रिजेक्टेड का लिस्ट जारी किया गया। जो कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए हैं उनका लिस्ट जारी किया गया। उनका कई कारण थे, किसी का फॉर्म इनकम्प्लीट था, तो किसी का फोटो अपलोड नहीं था, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर अपलोड नहीं है, तो किसी का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अपलोड नहीं है, तो बहुत सारे रीज़न होने वजह से सबका अलग अलग रिजेक्ट किया गया। तो आप भी अपना रिजेक्शन आपका हुआ है कि नहीं, आप एप्लीकेशन अपना देख पाएंगे, किस तरह से देखेंगे उसको देख सकते हैं, और इसका उपाय क्या है सारी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो उसका भी मेरिट लिस्ट अभी प्रोसेसिंग में है, इसका अभी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसलिए परेशान होना नहीं है, जैसे कोई अपडेट आता है तो अपडेट करते रहें। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि उस पर हम अपडेट देते रहें। फिलहाल आपको गूगल पर सर्च करना होगा, देखिए गूगल पर सर्च करना है अनिल सर ITI, गूगल पर सर्च कीजिएगा अनिल सर ITI। उसके बाद आपको जाना है करियर सेक्शन में। करियर सेक्शन में सारे अपडेट्स आपको मिल जाए, नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर आएगा अप्रेंटिस में SER अप्रेंटिस रिजेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसे ओपन करने को कहेगा तो ओपन कर लेना है। नीचे की तरफ आए, देखिए इसे पढ़ लेना है। इसका जो जो आपको लिंक एक्टिवेट रहने का जो डेट बताया गया 3 तारीख से 7 दिसंबर तक आपको लिंक एक्टिवेट रहेगा, उसके बाद लिंक क्लोज है। इसका जो यहाँ से आप व्यू करके देख सकें और यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले ताकि सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर हम देते हैं। व्यू करिए, यहाँ पर नीचे तक जाएँ तो लॉगिन करना है। यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भरे थे उनका लॉगिन ID पासवर्ड मिल गया है, तो यहाँ जाकर एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन कर लेना है। इस पर क्लिक करके तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ID पासवर्ड डालना है, ईमेल ID और पासवर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल ID पासवर्ड एंटर करके हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने बाद हमको पता चलेगा कि हमारा रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हमारा लॉगिन हो जाता है, तो समझ लीजिए कि रिजेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर लॉगिन हो जाता है तो रिजेक्ट, अगर लॉगिन नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट प्रोसेसिंग में है, क्योंकि यहाँ उसी कैंडिडेट का रिजेक्ट लॉगिन होता हो रहा है जिन कैंडिडेट ने रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट हुआ जिन कैंडिडेट का, और जिनका रिजेक्ट हुआ है उसका प्रॉपर रीज़न भी दिया गया है। आप यहाँ पर आइए, योर एप्लीकेशन देख सकते हैं, एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2021 इज रिजेक्ट एज पर नोटिफिकेशन कंडीशन। यहाँ पर फोटो नॉट अवेलेबल है, उनका सच में फोटो भी अवेलेबल नहीं है। नीचे तरफ जाएंगे तो यहाँ पर फोटो देखिए। इस तरह से कुछ और कैंडिडेट्स है, जैसे ये कैंडिडेट का है कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नॉट अपलोड, इनका भी रिजेक्ट हुआ है, रीज़न है इनका भी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड होने की वजह से इनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और भी कुछ देख लेते हैं, जिन कैंडिडेट का रिजेक्शन नहीं हुआ है, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो जैसे लॉगिन करेंगे उस तरह से दिखाई देगा, योर कैंडिडेचर इज नॉट फाउंड इन द रिजेक्शन लिस्ट। जैसे लॉगिन करेंगे वहाँ पे दिखाई देगा यू आर इंटर्ड इनवैलिड क्रेडेंशियल, या आप गलत डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपका सही से ही लॉगिन ID पासवर्ड डालते हैं और आपको इस तरह से दिख रहा है, यानी कि आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है, आपका मेरिट बनकर आएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जिन कैंडिडेट का रिजेक्शन आ रहा है उनका सुधार अब नहीं हो सकता है, अब उनका जो है अब उनका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, तो उनको अब परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है, कि अब उनका मेरिट में नाम ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। बाकी वो दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, अभी फॉर्म भरा रहा है जिनका रिजेक्ट हो गया है, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का SER का फॉर्म भरा रहा है कोलकाता का, तो उसका भर दीजिए। और भी IOCL का है, DRDO का है, साथ ही CCL का भी है कोलफील्ड का, उसका फॉर्म भर दिए। बहुत सारे अप्रेंटिस हैं तो जाइए विजिट कीजिए, नीचे वहाँ पे आपको मिल जाएगा।